नमस्कार श्रोताओं, आज हम YouTube द्वारा क्रिएटर्स के लिए बनाए गए एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। इसके कंटेंट राइटर हैं गिरीश बिल्लौरे मुकुल। नए क्रिएटर्स के लिए यह पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे अंत तक अवश्य सुनिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बिना पैसे लगाए डॉलर कमाए, जी हाँ यह सच है। और यह सच शुरू हुआ है आज से एक साल पहले से, यानी 21 सितंबर 2023 को YouTube ने YouTube Create लॉन्च कर दिया है। YouTube Create बीटा वर्जन एप्लीकेशन है। अधिकांश यूट्यूबर मोबाइल फोन के जरिए YouTube कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं तथा अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। नेट पर काम कर रहे हर एक सर्च इंजन के एल्गोरिथम में सबसे ऊपर वही कीवर्ड होते हैं जिन्हें सर्वाधिक सर्च किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इन कीवर्ड्स को हम कैसे खोज सकते हैं। इसके लिए भी आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन के ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग हैशटैग, ट्रेंडिंग कीवर्ड के जरिए अथवा अखबार पढ़ते हैं तो समाचार पत्रों में छपने वाले समाचार के उन समाचारों को देखिए जो फ्रंट पेज न्यूज बनते हैं। अब आपके द्वारा चुने गए टॉपिक पर अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। टॉपिक सुनकर उसके अनुकूल स्क्रिप्ट तैयार करना, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करना अथवा कॉपीराइट फ्री ऑडियो विजुअल प्राप्त करना, एडिटिंग करना कठिन काम है। इन सभी कामों के लिए अब तक हम कई सारे एप्स को यूज करते रहे हैं, लेकिन अधिकांश एप्लीकेशंस प्रो वर्जन खरीदने का सजेशन देती हैं। ऐसी स्थिति में जब आप नए नए क्रिएटर हैं तो आपको प्रो वर्जन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। उसकी एक वजह ये भी है कि YouTube स्वयं ही आपके लिए एक जबरदस्त एप्लीकेशन लॉन्च कर चुका है ताकि सामान्य से यूट्यूबर के लिए यह सरल हो सके। अभी तक YouTube ने थंबनेल बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन तैयार नहीं किया है। उसके लिए आप कैनवा या पिक्सल लैब का उपयोग कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपका चैनल केवल एक विषय पर केंद्रित होना चाहिए। हमारी टीम द्वारा कराए गए सर्वे से पता चला है कि YouTube पर वैरायटीज ऑफ कंटेंट वाले चैनल्स ज्यादा लोकप्रिय और स्थायी रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं। YT क्रिएट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में YT क्रिएट टाइप करें तथा इस वीडियो के थंबनेल में दिए गए लोगो वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन में आप अन्य एप्लीकेशंस की तरह ही वह सब सुविधाएं पा सकेंगे जो आप सब्सक्रिप्शन मूल्य जमा करके प्राप्त करते हैं। YouTube क्रिएट एप्लीकेशन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आपके द्वारा अपलोड की गई फुटेज के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग करने पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा कभी नहीं रहता है। नए यूट्यूबर्स को कभी भी अपने चैनल्स को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई सस्ते हटकंडे नहीं अपनाना चाहिए। कई प्रतिष्ठित क्रिएटर अपलोड किए गए वीडियो के थंबनेल में अधिकतर यह दावा करते हुए शीर्षक डालते हैं कि 2 या 4 सेटिंग कर लीजिए, आपका वीडियो और चैनल वायरल हो जाएगा। YouTube का अपना एक अलग एल्गोरिदम होता है जो मशीनी होता है, और यह एल्गोरिदम सर्च इंजन के साथ सिंक्रोनाइज होता है। अर्थात अगर सर्च इंजन पर आप टॉप सर्च वाले टॉपिक किसी भी प्रकार के मीडिया के जरिए डालेंगे, अपने आप सर्च इंजन पर दिखाई देने लगेंगे। वर्तमान समय में सर्च इंजन पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत और तेज हो गए हैं। अब यह दावे के साथ कहना मुश्किल है कि कौन सा हैशटैग अथवा कीवर्ड सर्च इंजन पर अचानक टॉप ट्रेंड में आ जाए। अतः यह सलाह अवश्य है कि अपने आप पर भरोसा कीजिए और कंटेंट से कोई समझौता मत कीजिए। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में कब आपका चैनल ग्रोथ हो जाए और आप अचानक सुर्खियों में आ जाएं। YouTube क्रिएट का उपयोग कौन कर सकता है? क्रिएट के लॉन्चिंग के समय YouTube ने स्पष्ट कर दिया था
कि YouTube Create का बीटा संस्करण भारत, सिंगापुर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में रहने वाले सभी क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल YouTube Create केवल एंड्रॉइड डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस वर्ष अर्थात 2024 में YT Create iOS के लिए भी उपलब्ध होगा। धन्यवाद।